सावधान, सड़कों पर सायरन बजाते तेजी से रेड लाइट पर बिना रुके चलती इस एम्बुलेंस को देखकर ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई कोरोना का मरीज या गंभीर हालत में कोई दूसरा मरीज जा रहा है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस एम्बुलेंस में चल रहा है वैश्यावृत्ति का खेल। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। शर्मसार कर देने वाली ये घटना यूपी के रामपुर के जिला अस्पताल की है, जहां 108 एम्बुलेंस का कर्मचारी एक महिला के साथ एम्बुलेंस में आपत्तिजनक हालत में कैमरे में कैद हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते कि कैसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए तैनात किए गए इस एम्बुलेंस में अय्याशी का गंदा खेल चल रहा था। आरोप है कि चंद रुपयों के खातिर एम्बुलेंस के कर्मचारी ही एम्बुलेंस में चल रहे इस गोरख धंधे में शामिल हैं। एम्बुलेंस के अंदर हो रहे इस गंदे काम की किसी ने चुपचाप वीडियो बना ली और अश्लीलता की सारी हदें पार करता वीडियो वायरल कर दिया। वहीं कैमरे में कैद इस कर्मचारी का नाम है हरिपाल। रामपुर के अंदर जिस तरह से 108 एम्बुलेंस के अंदर अय्याशी का अड्डा बना दिखाया गया है, वीडियो जो वायरल हुई है, वीडियो के अंदर 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी अय्याशी करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। जिस तरह से ये काम हुआ है, समाज का हर वर्ग इसकी निंदा कर रहा है और कह रहा है कि जब एम्बुलेंस के अंदर ही ये गंदा काम हो रहा है तो जो महिला मरीज होती हैं वो अगर एम्बुलेंस के अंदर स्टाफ के साथ जाएंगी तो उनके साथ भी गलत हरकत हो सकती है। ये जो लाइफ लाइन सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस, ये लोगों को लाइफ देने के लिए, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, लेकिन रामपुर के अंदर इसका एक नया रूप देखने को मिला है। जो इसका स्टाफ है उसने इसको चकला घर बनाया है और प्रेमी जोड़ों के लिए ये बड़ी सुविधा प्रदान की है कि वो होटल में ना जाकर एम्बुलेंस के अंदर जाएं और अपनी हवस की पूर्ति करें। रामपुर से जुड़े इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जो अपने विभाग में पूरा दबदबा रखते हैं। समाज सेवी दानिश खान ने CMO रामपुर, DM और SP रामपुर के साथ ही लखनऊ के आला अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है। कैसा है कि 108 एम्बुलेंस में एक AMT है हरिपाल सिंह, उसकी काफी 6 महीने से शिकायत चल रही थी कि ये सेक्स रैकेट चलाता है 108 एम्बुलेंस। मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहा था और जानना चाहता था। जब मैंने अपनी टीम लगाकर इसको पकड़ा तो ये खुद रंगे हाथों सेक्स करता हुआ एक महिला के साथ एम्बुलेंस 108 के अंदर, जिसका नंबर भी मैंने दिया हुआ है, ये पकड़ा गया है। जिसकी शिकायत मैंने कुछ स्तरीय अधिकारियों से भी की है, जिलाधिकारी महोदय को भी जानकारी दी है और रामपुर SSP को भी दी है। मैं चाहता हूँ इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसको इसकी सज़ा मिले, इसको तत्काल इसको निलंबित किया जाए। इस संबंध में मेरे पास काफ़ी लोगों की कॉल्स भी आई और 108 से रिलेटेड जो भी अधिकारी थे वो भी मेरे संपर्क में है, सारी बात उनको भी बता चुकी, पहले भी उनसे शिकायत कर चुकी। वहीं इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कहना है उनका सुनिए। गलत है भाई, 108 एम्बुलेंस जो है मरीजों को लाने जाने के लिए है, कोई ऐसी अड्डा थोड़ी है। लेकिन इन्होंने जो बना रखा है किसकी चूक मानेंगे इसमें? इसमें तो स्वास्थ्य विभाग की ही लापरवाही समझिए आप। ये एक तरफ से स्वास्थ्य विभाग की जो है लापरवाही है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लोगों ने किया है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इसके ड्राइवर को और उसमें जो चलने वाले उनको निलंबित करना चाहिए। इसमें चूक किसकी मानते हैं? चूक स्वास्थ्य विभाग की है, उसे इस तरफ ध्यान नहीं है। अच्छा, ध्यान रखना चाहिए इसको। ये तो बहुत जघन्य और वैसा एक घिनौना अपराध है। कोई मरीज ऐसा है और उसमें इस तरह की हरकतें होने लगी तो फिर वो कहाँ सुरक्षित है? ना समाज सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना फिर इंटर यानी कि मरीज। रामपुर के जिला अस्पताल में इतना बड़ा खेल चल रहा था लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों को इसके भनक तक नहीं लगे और ये सब कुछ इनकी नाक के नीचे चलता रहा, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रशासन सिर्फ अपने AC के कमरों तक सिमट कर रह गया है। उन्हें सब कुछ फाइलों में दिखाने की आदत सी पड़ गई है। ये वीडियो सामने ना आता तो पता नहीं चलता कि एम्बुलेंस में सेक्स रैकेट भी चल रहा है और वो भी वैश्विक महामारी के इस समय में। एम्बुलेंस में चल रहे इस रैकेट ने 80 और 90 के दशक की फिल्मों की याद दिला दी, जब बड़े बड़े अपराधी एम्बुलेंस में अपराधों को अंजाम दिया करते थे।
एबिस्टार के लिए रामपुर से फईन खान की रिपोर्ट।